नमस्कार, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे बच्चों से नहीं फैलता कोविड-19। स्टडी में कहा गया है कि स्कूल खुलना है पूरी तरह सुरक्षित। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम इसी तरह की न्यूज़ आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। एक हाली स्टडी में कहा गया है कि बच्चों से कोविड-19 संक्रमण एक दूसरे तक नहीं फैलता है। इस स्टडी में कहा गया है कि कोविड-19 संक्रमित एक लड़के के संपर्क में उसके साथ पढ़ने वाले 80 बच्चे आए, लेकिन उनमें से किसी को भी संक्रमण नहीं हुआ। अब इसी बात को आधार बनाते हुए यूरोप के कई देशों और जापान में स्कूल खुलने लगे हैं। कोविड-19 ट्रांसमिशन, कोविड-19 का खतरा 10 साल से छोटे बच्चों को बहुत अधिक है। एक्सपर्ट्स के अनुसार छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम कमजोर होने के कारण उनके लिए इस इन्फेक्शन में से सुरक्षित रहना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए बच्चों को इससे सुरक्षित रखने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन जैसे तरीकों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। लेकिन एक हाई स्टडी में कहा गया है कि बच्चों से कोविड-19 संक्रमण एक दूसरे तक नहीं फैलता। इस स्टडी में कहा गया है कि कोविड-19 संक्रमित एक लड़के के संपर्क में उसके साथ पढ़ने वाले 80 बच्चे आए, लेकिन उनमें से किसी को भी संक्रमण नहीं हुआ। अब इसी बात को आधार बनाते हुए यूरोप के कई देशों और जापान में स्कूल खुलने लगे हैं। इस रिसर्च के निष्कर्षों को जनरल पीडियाट्रिक्स में छापा गया है, जो बच्चों में कोविड-19 ट्रांसमिशन से जुड़ी अन्य 5 स्टडी पर भी आधारित हैं। क्या बच्चों से नहीं फैलता कोविड-19? यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मॉन्ट्स लर्नर कॉलेज ऑफ मेडिसिन के पीडियाट्रिक्स इन्फेक्शंस डिजीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर विलियम वी रेसिजुका का कहना है कि इस स्टडी के नतीजे काफ़ी चौंकाने वाले हैं। अच्छी बात यह है कि बच्चों से कोविड-19 इन्फेक्शन नहीं फैलता। डॉक्टर विलियम के अनुसार 6 महीनों के रिसर्च के बाद उनके पास ढेर सारा डेटा उपलब्ध है, जो दर्शाता है कि बच्चों को कोविड-19 का संक्रमण कम हो रहा है और यह उनसे फैल भी कम रहा है, जबकि बच्चों को होने वाला इन्फेक्शन ऐसे वयस्कों की से है जो सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं कर रहे हैं।